ईगल उड़ गया ऊपर, उड़ गया, जल्दी आओ, चल जिप देन, जिप देन। ओए 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 यार, हमारे ईगल को देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार, मैं मास्टर गेट में बैठा हुआ हूँ और आज मुझे लगा कि यार मास्टर गेट अब काफ़ी हरा भरा हो गया है, इसको अब बनवा लेना चाहिए। और आज ही मैंने कॉल भी कर दी भाई को कि भाई आप जल्दी से आएँ, हमारे मास्टर गेट को देखें और एस्टिमेट लगा के दें हमें कि कितने में बनेगा और किस तरह से बनवाना चाहिए। पहले तो हमारी यार पत्तल होती थी और मट्टी वगैरह होती थी, वो बहुत ही अजीब सा कचरा हो जाता जब बारिश आती थी, लेकिन हाँ क्या है भाई, हम भी देखें किस तरह बनवा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। शुक्र है तुम्हें अकल आ गई और तुमने ये बोला कि हम बनवा रहे हैं। बस अब थोड़ी देर के बाद ना भाई आएंगे, अच्छा वो ना फिर देखेंगे, सही है? सही है, मैं भी बताऊंगा, मेरे मशवरे में भी चलना। तुमने क्या सोचा हुआ है वैसे? मैंने बहुत अच्छी चीजें सोची। बताओ फिर। मैंने ये सोचा है यहाँ पे एक लंबी सी सीढ़ी लगाए और इसको ना 7 मंजिला बना दे, 7 स्टोरी मास्टर केज। आए हाय क्या मजा आएगा, ऐसे लिफ्ट बना लेंगे एक, फिर उसके बाद एलिवेटर वगैरह लगा के उसमें 10-15 एसी लगा के और लाइट्स लगा के जो फुटबॉल के ग्राउंड में नहीं होती वो वाली। चुप कर यार, यार सिप्तान तो ऐसे खाम खाम में चवले मार रहा है। ये आप देख रहे हैं ना छत दोस्तों, ये पहले तो थी पतल और मट्टी की, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये ना फाइबर की छत हम सिप्तान बनवा लें ताकि बारिश वगैरह आए तो फिर मसला ना हो कोई भी, आराम से पानी स्लिप होके नीचे चला जाए। हाँ लाइट्स वगैरह का भी अरेंज करना है यहाँ पर सारा, वो आर्टिफिशियल ग्रास लगा देंगे नीचे। हाँ। नहीं यार सिप्तान, तो यार समझो यार बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट्स हाँ। में देखना सब कहेंगे ये यार वो खराब हो जाएगा, फिर साफ कैसे करेंगे जब परिंदे उसके ऊपर गंद करेंगे, फिर हाँ, कैसे हाँ, होगा साहब, पानी मारेंगे ना स्मेल उठेगी, बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा। चलो चलो लगा के देखेंगे एक दफा लाजमी। चलो यार यार अभी हमें समझ नहीं आ रहा, आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम मास्टर के किस तरह से बनवाएं, क्या क्या इसमें डेकोरेशन करें, तो लाजमी बताना है। बाकी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, देखें दोस्तों मैं यही तो चाहता था। ये देखें इनका जो नेस्टिंग बॉक्स है पौधों में छुपा हुआ है, ढका हुआ है, हमारे परिंदे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहेंगे। जल्दी करो जो भी करना है यार, इंतजार नहीं हो रहा। बस हो आ रहे हैं बंदे भाई, एस्टिमेट लग जाएगा इंशाल्लाह, हमारा मास्टर गेट बन जाएगा। आज से शुरू हो जाएगा काम? आज से नहीं, आज देखने आ रहे हैं, कल या परसों से शुरू होगा। चलो ठीक है, कल परसों तो बोला नहीं, तो तुम कहते थे अगले महीने की 24 तारीख को 25 तारीख को या पता नहीं क्या क्या। नहीं नहीं अब बन जाएगा इंशाल्लाह। तो अब दोस्तों हमारी छत फिर से आबाद हो जाएगी। क्या हम ना इस पूरी छत को कलर भी कराते हैं इधर? ये दीवारें गंदी लग रही हैं यार, इधर पौधे शौधे तो लगाने थे, पौधे भी लगा। ये देखो देखो कलर नहीं कराते, ये वाली जो बेल है ना सिप्तान, हाँ। ये यहाँ पर लगाते थे सारी के सारी दीवार कवर कर देगी। जब तक कवर होगी बहुत टाइम लग जाएगा, हम कलर तो लगा दें उसके ऊपर बेल भी अच्छी लगेगी। और मास्टर के चले, ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तुम भी नहीं कर पाओगे यार, कराना पड़ेगा इतना ज्यादा है, ये पहले तो एक दो दरवाजे कर लेते थे तुम। हाँ ये नहीं होना। तो हमारी दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी छत चेंज होने वाली है, कलर वगैरह हो जाएगा, मास्टर केज बन जाएगा, मास्टर केज के अंदर परिंदे आ जाएंगे, फिंचेस फाख्ता और छोटे छोटे जो भी परिंदे होंगे ना इसके अंदर मैं रख लूँगा। और ये वाले जो चिकन कोप है ना इसमें कुछ रखना चाहिए हमें सिप्तान, ये भी खाली हो गया, सिर्फ ईगल रह रहे हैं, ईगलों का बसेरा हो गया यहाँ पे। दूसरा ईगल का ओए ये है, इसको भी अच्छा बनाएंगे हैं मेरे ऊपर छोड़ दो यार। मैं चाहता हूँ सिप्तान इसको ना यहाँ से शिफ्ट करके ना नीचे ले जाएं, क्या कहते हो? हाँ ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यार मुर्गी इतना शौक से नहीं रहती थी ना, मिनी जू में यहाँ मिनी जू में सही रहेगा मेरे ख्याल में। कुछ और बनवाते हैं। हाँ ऐसे करते हैं भाई, ये भी अच्छा आइडिया था, सही है ना? देख लो बहुत अच्छा सोचा है। तो यार जब तक मास्टर केज वाले भाई आते हैं, मैं और शान ना यहाँ पर क्या करते हैं, बकरों को घास देते हैं। शान डालो इसके अंदर, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं देना, एक काम करो मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, मैं घास देता हूँ, एक हाथ से पकड़ो, इस हाथ से बस। तो यार शान ने पहले दफा ना कैमरा को उठाया, पर पता नहीं सही बनाई वीडियो या नहीं, पता नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ना हमारे यहाँ पर हॉर्स आने वाला है जो कि काफी प्यारा भी होगा और उसको फुल टेम वाला लेंगे हम, जो कि मतलब राइडिंग करने में आसानी हो हमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहे हैं ना, तो इसलिए एक दो दिन चार पता नहीं कितने दिन लगते हैं यार। आप बस दुआ करेंगे जल्दी हमारे पास हमारा हॉर्स आ जाए। यार हमारे ग्रे को ना मेरे को इतना ज्यादा पसंद है ना, एक एक टुकड़ा ना एक साथ खा रहा है, जैक भी जी तो घंटों लगा देते हैं लेकिन ये एक मिनट में चिट कर जाता है। ये देखें ये एक साथ ये खा रहा है, हो भाई मैंगो मैंगो का दीवाना है हमारा ग्रे। चलो अभी आराम से खाओ, 15 से 20 दिन मैंगो और आएंगे। हाँ उसके बाद हो जाएगा, फिर नहीं मिलेंगे मैंगो, फिर कुछ और से गुजारा कर, अमरूद वगैरह खाएगा ना, कुछ ना कुछ तो खाएगा ना, भूखा थोड़ी मरेगा।
तो अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी मुर्गियाँ ना कुछ कुड़क हो गई हैं। एक मेरी मुर्गी ये वाली कुड़क हो गई है और एक ये वाली ये कब लाए हो आप? वाह ये तो बहुत क्यूट है शायान। अंडे भी देती है क्या? है देते नहीं क्या? कहाँ से लेके आए? अंडे हैं? अंडा ही नहीं है। अंडे हैं? अरे वाह क्या बात है, ये तो कबूतर का अंडा दिया है मुर्गी ने। जर अभी हम ना जा रहे हैं अपने परिंदों का जानवरों का दाना वगैरह लेने, और रास्ते में ना हम बर्ड मार्केट पे भी होते हैं कि वहाँ से कुछ अगर अच्छा मिल गया तो वो भी ले लें। हाँ भाई सही है ना? सही है, चलते हैं। चलो भाई चलो। चलो भाई। शयान किधर है? शयान को बुलाता हूँ मैं। शयान ट्यूशन चला गया है, याद आ गया। बस खुद ही पूछ रहे शयान गया, फिर कहता है यार ट्यूशन चला गया वो। तो आपकी भी भाई समझ नहीं आती बातें। अबे खोलो यार, इनको आज़ाद करते हैं और इनको हम दोबारा से अपना मिशन शुरू करने लगे। पता है कौन सा? अभी खोलो फिर बताता हूँ। खोल लो पहले, खोल लो। हाँ उड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता उड़ेंगे। खोलो। तो यार यहाँ पर देखिए हम कौन से कबूतर लाए हैं यार, इनके पाँव के पर चेक करें आप, ये मेरे ख्याल पाँव से उड़ते हैं। तो आप देखो तो सही कितने बड़े पर हैं। सीधा तो करो इसको। अच्छा हाँ बिठाओ। ओए ओए ये तो वाकई उड़ते हैं। तो आप ये नहीं उड़ना चाहिए। ओए ओहो आराम से एक मिनट बैठेगा, इसको बैठने देते हैं। यार हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था ये उड़ पाएगा। ये फीमेल इधर है हमारे पास, फीमेल हमारे पास है ना, जब तक मेल नहीं उड़ेगा फीमेल को इधर बिठा दो तुम बस। यार अचानक से उड़ा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये उड़ सकते हैं। पकड़ो ये। क्या यार? एक मिनट मैं इसको पकड़ता हूँ ना यार। पकड़ लिया। फाइनली यार इनको ना जैक विजी के घर भी दो मिनट चेक करते हैं। चेक से बचाऊंगा ना मैं। खोलो तुम, खोलो यार। देखे तो जी कैसे लगते हैं बैठे हुए। ये डंडा सीधा करो, डंडा सीधा करो। जैक वैसे भी अंदर बिठा दे इनको। चलो यहाँ पे बिठा देते। अब यार देखें ये कबूतर कितने प्यारे हैं। ये देखें इनके पाँव के पर सबसे बड़े, वैसे परों वाले होते हैं जिनके पाँव पे होते हैं, लेकिन ये तो देखें कितना बड़े बड़े पर हैं इनके पाँव के ऊपर। जितने बड़े पर ना इनके साइडों पे होते हैं ना, उतने ही पाँव पे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। इसके पैरों के बाल छोटे हैं जितने उससे। वो मेल है ना, ये फीमेल है। ये देखें यार कितना यूनिक कबूतर है, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। यार बहुत तेज़ी से उड़ के गया, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन पकड़ लिया हमने। चलो भाई सितान इनको ना यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। सही है, ठीक है। चलो भाई जो तुम्हारा ये वाला घर है आज से यहाँ पर अंडे बच्चे देना तुम। चलो ओ क्या हुआ, तुम भी जाओ। चलो इनका दाना ले आओ सितान। दाना ले आओ। तो अब थोड़ा हमने क्या करना है, यहाँ पे फैंसी पिजन इकट्ठे करने हैं। जब हमारा मास्टर केज बन जाएगा ना, फिर उधर लेके जाएंगे हम अपने फैंसी पिजन्स को। सही है, आइडिया अच्छा है ना। ठीक है, चलो ठीक है। अभी एक पेयर हो गया यहाँ पे, अभी बंद कर दो इसको। सर आज ना मछलियों को मैंने डिफरेंट फीड देने वाला हूँ। ये है, इसको खोलते हैं और चेक करते हैं इसमें कौन सी फीड है। एक मिनट बस, मछलियाँ तो हैं। ये क्या बात, आओ जी इसमें भी सेम ही है यार, ये क्या बात है। मैंने समझा इसमें श्रिम्स वगैरह होगी, लेकिन ये और ये सेम ही है। हैं भाई यार, खैर ये भी खाती हैं, दे देता हूँ। ये लो खाओ खाओ खाओ, आ जाओ। आ गई भाई, खा लो खा लो। ओए यार हमारे ईगल को देखो, जंप कर दिया इसने। ये पुराना तो नहीं था यार, वो नए वाला ईगल था, हमारा पुराना तो इधर ही बैठा, ये नहीं उड़ सकता। इसको पकड़ते हैं अभी। यार ये तो उड़ भी नहीं सकता सही तरीके से, फिर भी यार इसने जंप कर दिया, ये तो गलत बात है। शायद ये उड़ना चाहता है, ये निकल गया यहाँ से। खराब, खोलो। ईगल उड़ गया ऊपर, उड़ गया। जल्दी आओ, वो ना इस घर की छत के ऊपर गया है। ये भी घर बन रहा है, पता नहीं यहाँ जाने का रास्ता भी है कि नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ किधर है, कहाँ? चलो पकड़ो इसको। जिप्टन जिप्टन, ओए गया, कहाँ गया? हमारे घर में। हाँ आ जाओ। चलो भाई जाओ अपने दोस्त के पास जाओ। बड़े तेज हो यार तुम, चलो भागो यहाँ पे।
बाकी सिप्तान यार ये मछलियों की खुराक लाया है, हैं? हम तो समझ रहे थे ये और चीज़ है, ये एक ही खुराक है। वाह वाह यार हमने समझा ये ना ये लाइव फूड होंगे ना मछलियों की, लेकिन ये और ये एक ही जैसी है, बस पागल बन गए हम भी लेके आ गए। हेलो एस्पियोना क्या हाल है, ठीक हो? नहीं मुझे टच नहीं करना, हमें इससे भी खड़ जाता है बंदा कभी। चुप कर ठहरे रहो, आराम से ठहरे रहो यहाँ पे, ठीक है? तो शाम हो चुकी है दोस्तों और आज हम ना मार्केट गए थे, दाना वगैरह भी ले लिया था और हम ना एक पैर कबूतरों का भी लेकर आ गए, बहुत ही प्यारा था, उनके पैरों पर बाल भी थे। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाके बताना कि आपको कैसे लगे नए वाले कबूतर। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैं आ रहा हूँ ₹80 ना तुम्हारे पास, सिप्तान का पता कर लूँ वो छत से उतरा या नहीं उतरा, ठीक है? आ रहा हूँ। क्या बना? ईगल को पकड़ लिया मैंने, सही उसको शिफ्ट कर दिया। ओके तुम उतर गए थे सही सही? हाँ बड़ी मुश्किल से, सही सही नहीं। अच्छा चलो ₹80 को खाना देना है, वो मैंने बनाया हुआ यार। मैं थक गया हूँ अब जाओ। अच्छा मैं भी थक गया हूँ यार, चलो एक साथ करते हैं यार, जाओ यार।